92.7 बिग एफएम पर दिल्ली के दिल से जुड़ी हर बात दीपक और ऋचा अनिरुद्ध के साथ दिल्ली मेरी जान। नन्हे नन्हे कदमों ने जहां था माटी को छुआ, छोटी छोटी उंगलियों में जहां आसमां बड़ा हुआ, मुंदी सी आंखों ने जहां देखे ना जाने कितने सूरज चांद, जिसकी पनाहों में बेफिक्र सोई रातें समेटे सपनों में मुस्कान, हाँ जिसके दम से है मेरी पहचान, क्यों ना भरे वो भी खुल के उड़ान। मेरी दिल्ली मेरी शान, दिल्ली मेरी जान, दिल्ली मेरी जान। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का 92.7 बिग एफएम पर एक बार फिर से दिल्ली का नंबर वन ब्रेकफास्ट शो दिल्ली मेरी जान सुन रहे हैं आप मेरे यानी दीपक और रिचान रुद के साथ। और आज है साल का आखिरी दिन यानी कि 31 दिसंबर। गुड मॉर्निंग। और आखिरी दिन आज थोड़ा सा वक्त निकालते हैं पीछे मुड़कर देखने के लिए। सिर्फ 4 महीने हुए हैं दिल्ली मेरी जान को शुरू हुए, लेकिन इस छोटे से वक्त में आप सबके प्यार ने, आपकी इन्वॉल्वमेंट ने दिल्ली मेरी जान को दिल्ली का नंबर वन ब्रेकफास्ट शो बना दिया। और इन 4 महीनों में हमने दिल्ली के दिल से जुड़े बहुत से मुद्दे उठाए, लेकिन ये सब अधूरे रहते अगर आपका पार्टिसिपेशन ना होता, बढ़ चढ़कर आप लोगों ने भी हिस्सा लिया दिल्ली मेरी जान में। तो आज साल के आखिरी दिन हम बात करेंगे उन मुद्दों की जिन्हें हमने उठाया इन 4 महीनों में, और साथ ही सुनेंगे कि अलग अलग मुद्दों पर हमें दिल्ली वालों की क्या राय जानने को मिली। तो हमने मुद्दे भी उठाए, त्योहार भी मनाए और खास दिनों को सेलिब्रेट भी किया। और जब बात हुई चिल्ड्रंस डे की तो हमारी कॉलर अनु सिंह चौधरी ने बड़ी मजेदार बात कही, सुनते हैं। मौसम कैसे बदलता है, मर जाना किसको कहते हैं, हम सपने क्यों देखते हैं, नींद में धड़कन कैसे चलती है, सोते हैं तो आंख बंद क्यों करनी पड़ती है, कबूतर के बच्चे से अंडे क्यों निकलते हैं, बिजली कहाँ से आती है, ये सारे वो सवाल हैं जो बच्चे हैरानी में पूछते हैं, तब हमको याद आता है कि हमारी जिंदगी में भी हैरानी बाकी है। बच्चों के साथ गुजारा हुआ लम्हा जिंदगी का सबसे खूबसूरत लम्हा होता है। बच्चे आसपास होते हैं तो हमको याद रहता है कि हमारे भीतर भी एक बच्चा मौजूद है जिसकी परवरिश करनी चाहिए, जिसकी देखभाल करनी चाहिए, जिसको प्यार करना चाहिए। बच्चे हमको खुद से प्यार करना सिखाते हैं, बच्चे हमारी गलतियां हमको बताते हैं, बच्चे हमारे बेस्ट टीचर्स होते हैं। अब टीचर्स का जिक्र छेड़ा है उन्होंने तो ऋचा मुझे याद आ रही है टीचर्स डे की, जिस दिन हमने दिल्ली को राजेश कुमार से मिलवाया था। बिल्कुल वही राजेश कुमार शर्मा जो एक फ्लाईओवर के नीचे गरीब बच्चों के लिए स्कूल चलाते हैं। और जब हमने राजेश कुमार की कहानी दिल्ली मेरी जान में सुनाई तो एक बड़ा खूबसूरत सा कनेक्शन बना। अभी मैंने थोड़ी देर पहले सुना कि वो सर फ्री में जो बच्चों को मेट्रो के उधर पे जो शिक्षा दे रहे हैं फ्लाईओवर पे, मैं उनसे काफी प्रभावित हुई। मैं अब मुझे ये बताइए, आप राजेश जी से डायरेक्ट बात करना चाहेंगी? अगर मैम पॉसिबल है तो। नहीं, क्यों पॉसिबल नहीं, अभी कराते हैं आपकी बात। हाँ जी, मैं अर्चना बोल रही हूँ। मैं आपके इस जज्बे से काफी प्रभावित हूँ कि आप बच्चों को शिक्षा देते हैं। क्या मैं जान सकती हूँ कि आपका कोई ऐसा कॉन्टेक्ट नंबर है कि जो मैं अपनी तरफ से कुछ भी उन बच्चों के लिए कर सकूं? आप लोगों ने मेरे को कॉल किया उसके लिए धन्यवाद। आप बच्चों की तरफ से भी आपको बहुत सारा प्यार। हमारा स्कूल तो एक जो है फुटपाथ पे चलने वाला स्कूल है। मुद्दा चाहे फुटपाथ पे स्कूल चलाने का हो या फिर दिल्ली के दिल से जुड़ा कोई और मुद्दा, हमने हर विषय पर बहुत ही शिद्दत से चर्चा की यहाँ। और जब चर्चा छिड़ी तो आप लोगों ने भी उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कुछ ऐसे ही मुद्दों को एक बार फिर याद करेंगे और आपने उस पर क्या राय रखी ये आपको सुनवाएंगे। बस कुछ ही देर में आप बने रहिए दीपक और ऋचा अनिरुद्ध के साथ दिल्ली मेरी जान में। छूकर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा, और दिल्ली मेरी जान ने भी आपके मन को छू लिया है, और इसी का नतीजा है कि दिल्ली मेरी जान बन गया है दिल्ली का नंबर वन ब्रेकफास्ट शो। गुड मॉर्निंग, प्रणाम। दीपक और ऋचा अनिरुद्ध एक बार फिर आपके साथ हैं आज इस साल के आखिरी दिन। गुड मॉर्निंग। और साल के आखिरी दिन हम आज याद कर रहे हैं कुछ खास मुद्दों को जिन्हें हमने दिल्ली मेरी जान में उठाया और जिन पर आपके बहुत खूबसूरत से कॉल्स हमारे पास आए। आपको याद है एक दिन हमने यमुना की गंदगी की बात की थी कि क्यों दिल्ली के हिस्से में यमुना सबसे ज्यादा गंदी हो जाती है।
और यमुना की गंदगी पर रुचि ने जो हमसे कहा उसने न सिर्फ दीपक और रिचा के बल्कि पूरी दिल्ली के दिल को जीत लिया। मेरा नाम रुचि है और मैं खुद मानती हूँ कि ये धर्म के नाम पे जो हम नदियों को गंदा करते हैं ये बंद करना चाहिए। मैंने तो अपने बच्चों को बोला है कि अगर मैं मरूं तो जो मेरी अस्थियां हैं वो घर के गार्डन में ही फेंक दें तो वो ज्यादा अच्छा है, कम से कम फूल बन के खिलूंगी तो सही, मिट्टी में ही मिल के खाद बन के किसी चीज के काम आ जाए। बिकॉज ये एक ऐसी प्रथा है जिसके मैं टोटली अगेंस्ट हूँ, जो हम अस्थियां नदियों में जाके विसर्जित करते हैं उसके लिए। और दीपक, दिल्ली मेरी जान में सबसे अच्छी बात ये लगती है ना कि दिल्ली के हर एज ग्रुप के लोग हमें फोन करते हैं। हमने जब दिल्ली की सड़कों पर और पब्लिक ट्रांसपोर्ट में महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा उठाया तो हमें सीनियर सिटीजन एस के थापर जी ने कॉल लगाया। हाय दीपक, हाय रिचा, दिस इज एस के थापर। आई एम ए सीनियर सिटीजन। वुमेन की सुरक्षा के ऊपर जो आपने अभियान चलाया है बहुत अच्छा है, मगर मेन चीज वही रहती है अकाउंटेबिलिटी जो है ना हमारी वेरियस डिपार्टमेंट्स की, वो पूरी होनी चाहिए। पुलिस को बिल्कुल मुस्तैद होना पड़ेगा, जब तक लॉ का ऑर्डर एनफोर्स नहीं होगा ये अचीव करना मुश्किल है, तो जाके दिल्ली मेरी जान एक सुंदर सिटी बन पाएगी। तो नए साल में भी हम सबको मिलकर ही दिल्ली को एक खूबसूरत शहर बनाना है। अगर आप दिल्ली मेरे जान में इस वक्त कुछ कहना चाहते हैं तो हमें कॉल लगाइए 3992797। आप हैं दीपक और रिचा अनुरुद के साथ दिल्ली मेरी जान में। बहारें आती भी रहती हैं, बहारें जाती भी रहती हैं, लेकिन कुछ लोगों के साथ जीवन में ऐसा हो जाता है कि बहार उन्हें लगता है जीवन में मुड़ के आएगी ही नहीं, तो ऐसे लोगों को भी उम्मीद की किरण दिखाई दिल्ली मेरी जान में। गुड मॉर्निंग, प्रणाम, नमस्कार, दीपक और रिचा अनुरुद हैं आपके साथ आज साल के आखिरी दिन। और इस साल दिसंबर में दिल्ली में हुआ एक और एसिड अटैक जिसने एक बार फिर हम लोगों को झकझोर कर रख दिया। दिल्ली मेरी जान में हमने एसिड अटैक्स के मुद्दे पर बात की और हमारे साथ जुड़े छांव एनजीओ के आलोक दीक्षित। छांव एसिड अटैक फाइटर्स को इंसाफ दिलाने और उनके रिहैबिलिटेशन के लिए काम करती है। आलोक ने दिल्ली मेरी जान के जरिए दिल्ली वालों को एक बहुत खूबसूरत संदेश दिया। सबसे जरूरी मैसेज ये होगा कि अगर आप किसी एसिड अटैक सर्वाइवर को देखते हैं, किसी बर्न सर्वाइवर को देखते हैं, तो जो आपकी निगाहें हैं ना वो भी बहुत कुछ कह जाती हैं। और अगर आप उन्हीं निगाहों में ये बात लाएं कि इसने बहुत कुछ फेस किया है, इसने बहुत कुछ झेला है, और आपकी निगाहें उसे दर्द ना दें, अगर ये कर सके तो सबसे जरूरी होगा, क्योंकि इस देश में भी बहुत सारे बर्न सर्वाइवर्स हैं लेकिन कभी आप उन्हें रोड पे यूं ही टहलते हुए ओपन फेस करके घूमते हुए नहीं देखेंगे। उसका सिर्फ एक कारण है और ये है कि आपकी निगाहें उनसे बहुत कुछ पूछती हैं, उन्हें परेशान करती हैं, तो अगर वो भी आप बदल सकें तो मेरे ख्याल से सबसे बड़ी मदद होगी। वाकई कितना कुछ बदलना है अभी दिल्ली में, और दिल्ली मेरी जान की कोशिश 2015 में भी जारी रहेगी कि अपने शहर को और बेहतर और खूबसूरत बना सके। और अगर छुआ है दिल्ली मेरी जान ने आपके दिल को भी तो हमें कॉल लगा के हमारे साथ शेयर करें। नंबर हमारा वही है 3992797 यानी कि 3992797। बने रहिए दीपक और रिचा अनुरुद के साथ दिल्ली मेरी जान में। गुड मॉर्निंग। किस्मत फिल्म का था ये गाना जिसे सुना आपने 92.7 बिग एफएम पर, और ये किस्मत नहीं है, आप लोगों का प्यार है और हमारी मेहनत है कि दिल्ली मेरी जान बन गया है शुरू होने के सिर्फ 4 महीने के अंदर ही दिल्ली का नंबर 1 ब्रेकफास्ट शो। शुक्रिया। गुड मॉर्निंग, नमस्कार, प्रणाम, दीपक और रिचा अनुरुद आपके साथ दिल्ली मेरी जान में। गुड मॉर्निंग, और आज साल के आखिरी दिन हम दिल्ली मेरी जान में ये याद कर रहे हैं कि पिछले 4 महीनों में हमने क्या क्या किया। वैसे ये साल सिर्फ दिल्ली के लिए नहीं, हमारे देश के लिए भी बहुत खास था, क्योंकि हमारे अपने कैलाश सत्यार्थी जी को नोबेल शांति पुरस्कार के लिए चुना गया। और रिचा, बड़ी मजे की बात ये रही कि उन्हें नोबेल पुरस्कार मिलने की घोषणा के ठीक एक दिन पहले वो हिस्सा बने दिल्ली मेरी जान का। बिल्कुल, जब हमने चाइल्ड ट्रैफिकिंग और चाइल्ड सिक्योरिटी का मुद्दा उठाया तो कैलाश सत्यार्थी जी ने हमसे बात की और एक बार फिर दिल्ली को एक संदेश दिया। समाज की जिम्मेवारी दो अर्थों में है, हम अपने बच्चों पे थोड़ा ध्यान रखें, उनको भी थोड़ा समझाएं कि किसी अपरिचित आदमी के साथ वो ना जाएं, उनकी बातों में ना लगें, किसी के हाथ पे कुछ खाएं पिए ना। लेकिन दूसरी इससे भी ज्यादा जरूरी चीज है कि हम लोग एक जिम्मेवार नागरिक का भी परिचय दें। अगर हमारी आंखों के सामने कोई अपरिचित आदमी किसी बच्चे को ले जा रहा है, मैं तो हर एक आदमी से अपील करना चाहूंगा कि अगर आपको कोई भी बच्चा लावारिस, कोई भी बच्चा अपरिचित या कोई भी आदमी किसी संदिग्ध हालत में किसी बच्चे को ले जाता दिखे, खासकर
जेल के अंदर ले जाता देखे या बसों के अंदर ले जाता देखे या किसी एक आदमी के साथ एक ही उम्र के दो तीन चार बच्चे एक साथ जा रहे हों, तो कृपा करके उसको रोकें, वहीं रोकें, वहीं चुपचाप 100 नंबर पर फोन करें पुलिस को या बच्चों से संबंधित जो हेल्पलाइन बनी हुई है वहां फोन करें 1092 पर। ये कई संभावनाएं हैं जो कि सामान्य नागरिक भी कर सकते हैं, वेबसाइट पे डाल सकते हैं, फोटो खींच के भेज सकते हैं सरकार के पास, पुलिस के पास। हमें भी जिम्मेवार नागरिक के नाते कुछ ना कुछ करना चाहिए। सत्यार्थी साहब, एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते 92.7 बिग एफएम भी दिल्ली मेरी जान के जरिए बहुत कुछ करेगा, 2015 में ये वादा है हमारा। फिलहाल हमारी एक कॉलर हमारे साथ है जो दिल्ली से कुछ कहना चाहती है। हाय, मेरा नाम रुचि है एंड आई एम रियली थैंकफुल टू बिग एफएम फॉर गिविंग अस दिस प्लेटफॉर्म जिसके ऊपर हम अपने सारे व्यूज शेयर कर सकते हैं। और मुझे पक्का यकीन है कि आने वाले साल में दिल्ली मेरी जान सिर्फ बिग एफएम ही नहीं, सच में हमारी दिल्ली हमारी जान बनके एक अच्छी और स्वस्थ दिल्ली दिखाई दे। थैंक यू। थैंक यू तो आप सबका है जिन्होंने हमारे शो को सुना, दिल्ली मेरी जान को नंबर 1 ब्रेकफास्ट शो बनाया और इस शो में खुद पार्टिसिपेट भी किया। चलिए, ऋचा अनुरोध के लिए आज साइन ऑफ करने का वक्त आ गया है। कल सुबह यानी 1 जनवरी 2015 नए साल में आपसे फिर मुलाकात होगी नए वक्त पर यानी सुबह 9 बजे। दीपक आपके साथ बने हुए हैं उन गानों के साथ जो हिट थे, हिट रहेंगे। आप सबको नए साल की ढेरों शुभकामनाएं।